थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कवलेवाड़ा निवासी कक्षा 12वीं में अध्ययन कर रही थी, जहां वह 17 वर्ष की छात्रा है। यह अपने पिता के चाय नाश्ते की दुकान में हाथ बिठाकर रोजगार में हाथ बटाया करती थी। इसी दौरान प्रतिदिन नाश्ता करने आने वाले आरोपी युवक ने नाबालिग को अपने प्रेम प्यार की बातें शुरू कर दी थी और उसे अपने झांसे में ले लिया था तथा सुखी वैवाहिक जीवन के सपने तक दिखाए। और गत एक वर्ष से वह मौका मिलते ही युवती को सुनसान इलाके में बुलाने लगा तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए, जिससे नाबालिग को 6 माह का गर्भधारण हो गया। जब युवती ने गर्भवती होने की जानकारी प्रेमी को दी तो उसे विवाह रचाने हेतु दबाव बनाया, तो अब आरोपी ने शादी करने से ही मुकर गया। प्यार में धोखा खाए युवती ने 7 अक्टूबर को गंगाझरी थाना पहुंचकर दगाबाज प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मेडिकल जांच की और पीड़िता की शिकायत के आधार पर गोरेगांव तहसील के ग्राम केवलेवाड़ा निवासी निहाल नामक आरोपी के खिलाफ धारा 376 एन 817 सह कलम 4-6 बाल लैंगिक अत्याचार सह कलम 3-1-2-3 और 2 वी अनुसूचित जाति जमाति अत्याचार प्रतिबंधक कायदा के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने सूत्रों में जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2018 से सितंबर 2019 के दरमियान घटित हुई है। बहरहाल मामले की जांच पड़ताल उपविभागीय पुलिस अधिकारी नितिन यादव के मार्गदर्शन में मपोनी पाटिल कर रहे हैं। दूसरी ओर गोंदिया के ही गोविंदपुर के सामने से आ रही है, जहां साई मंदिर निकट तथा नंगपुरी मुरी के दुर्गा चौक इलाके से 2 नाबालिग छात्राओं का अपहरण हो चुका है। अज्ञातों ने अपहरण कर लिया तथा कच्ची उम्र की है 2 किशोरियां। किशोरियों के अपहरण की घटना में जहां अभिभावकों में दहशत व्याप्त हो चुकी है, वहीं पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ में जुटी हुई है। और जहां दूसरी ओर घटना सामने आ रही है, नंगपुरी मुरी इलाके के दुर्गा चौक निकट 10 अक्टूबर के दोपहर 1:30 में शाम 5 बजे के दरमियान घटित हुई है। इसी क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोई अज्ञात युवक ने बैला फुसला कर उसने अपने साथ ले गया, तो वहीं अपने पुलिस अगवा की गई छात्रा के फिरियादी भाई की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363 का जुर्म दर्ज किया है। मामले की जांच सपोनी नार्वेकर कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब